नमाज़ जुमा पढ़ने के बाद हज़रत अली हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अकील को तो कुछ समझाएं, ये अक्सर अबू बकर सिद्दीक से अड़ जाता है। या रसूल अल्लाह, आज भी पहली सफ से उठाकर उन्हें सातवीं सफ में जा बिठाया, अब शिकायत जनाबे अकील की लग रही है। हमारे नबी पाक कहने लगे कि अली, तुम अकील की छोड़ो, ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा। आप कहने लगे कि अकील की छोड़, तू उसकी बता, मेरे दोस्त की बता, मेरे यार की बता कि उसने क्या जवाब दिया। नबी पाक के ये पूछने पर हजरत अली ज़ारो कितार रोने लगे और कहने लगे कि महबूबा, कहाँ से लाऊं मैं अबू बकर जैसा दर्द। या रसूलल्लाह, वो चुप करके खामोशी के साथ सातवीं सफ में चला गया। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि बुलाओ, अकील को भी बुलाओ और अबू बकर को भी बुलाओ। जब दोनों आ गए तो हजूर फरमाने लगे कि अबू बकर, मुझे बताओ कि जुमे में क्या हुआ। तो अबू बकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं। तो हमारे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें किसी ने सफ से उठाकर पीछे भेजा। तो अबू बकर कहने लगे कि नहीं नहीं या रसूलल्लाह, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और वो हैरान हो रहे थे कि या रसूलल्लाह, आपको ये बात किसने बताई है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अबू बकर, मैंने सुना है कि अकील ने तुम्हें सफ से उठाया है। तो अब यार, मैं कहता हूँ कि ऐसा जज्बा कहाँ से लाओगे, नहीं मिलेगा। तारीख में जो लफ्ज़ लिखे हैं उन्हें ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जज्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, वो नस्ल हुजूर का, वो आपकी नस्ल का शहजादा है। या रसूल अल्लाह, अगर उसने अबू बकर सिद्दीक का सातवीं सफ में बैठना पसंद किया है तो अबू बकर उससे राजी है। अबू बकर का ये जवाब सुनकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अकील को बुलाया। आपने जनाबे अकील को डांटा नहीं, आप इरशाद फरमाने लगे कि अकील बेटा, इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। आप जनाबे अकील से फरमाने लगे कि अकील, तुम्हें पता है कि अबू बकर कौन है। आपने बात फरमाई कि जब सारा मक्का मेरा दुश्मन था, मेरी जान पर था, तो अबू बकर मेरी तन्हाइयों का दोस्त था। आप फरमाने लगे कि लोग तलवारें लेकर आते थे मुझे मारने, और इसकी तलवार सबसे पहले उठती थी और कहता था कि तुम्हारी तलवारों को मेरे सर से गुजरना होगा, तब तुम मेरे तक पहुंचोगे। आप फरमाने लगे कि अकील, इधर बैठ, मैं तुझे बताऊं कि अबू बकर कौन है। आप फरमाने लगे कि मदशे बे अबी तालिब में मुझे कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खाकर गुजारा किया करती थी। ये अबू बकर था जो पूरे मक्के में जुल्म सह सह कर मुझ तक अनाज और गल्ला पहुंचाता था। आप फरमाने लगे कि अकील, इधर आ, मैं तुझे बताऊं कि जब मक्के वालों ने मेरे पर जमीन तंग कर दी थी तो ये मेरा दोस्त गारे सौर में मेरे साथ रहा। इसकी बेटी और इसका बेटा मेरे लिए खाना लाते थे और दूध बकरी का धोकर लाते थे। आप फरमाने लगे कि अबू बकर जान पर खेल कर मेरी निगरानी किया करता था। और आखिर में नबी पाक इरशाद फरमाने लगे कि अकील, मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बेगाने समझकर खर्च करता हूँ, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक की तरफ से कुछ भी आता है तो उसे मैं अपना समझकर खर्च करता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अकील, मेरे साथ इस दुनिया में जिसने भी नेकी की है मैंने उसका बदला चुका दिया है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकी का मैं एक भी बदला अदा नहीं कर पाया। अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं है,